एसडीआरएफ के जवान हमारे साथ है, उत्तराखंड से पहुंचे थे और कड़ी मशक्कत के बाद यहां पर शव को बरामद किया गया है। क्या नाम है सर और कैसे जो है ये शव बरामद हुआ? सर मेरा नाम है, मैं आशिक अली हेड कांस्टेबल, अभी एज ए पोस्ट इंचार्ज डॉक्टर चल रहा हूँ एसडीआरएफ की टीम में। कल हमारे पास सूचना मिली थी लगभग 3:30 बजे कि यहाँ पे बच्चे घूमने आए थे और वो नदी पार करने के चक्कर में कोई बच्चा उनमें से डूब गया था। तो कल हम आए, कल भी हमने सर्चिंग की, ऑपरेशन हमारा कल शाम तक हमने सर्चिंग की, लेकिन हमें कोई सफलता नहीं मिली। क्योंकि कल एक तो पानी भी आजकल बहुत गंदा है और विजिबिलिटी नहीं है पानी में बिल्कुल भी। फिर आज फिर अर्ली मॉर्निंग हम आए, आज भी हम काफ़ी, आपने देखा ही होगा, 2 घंटे से कंटिन्यू डाइविंग की और फिर अभी लास्ट डाइव हम कर रहे थे तो उसी में जो है नीचे। जी सर, अंतिम सवाल, हम देखते हैं कि कई बार काफ़ी लंबा सर्च ऑपरेशन चलता है, तो कब तक आप लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि कई बार बहुत दिनों बाद शव मिलते हैं या मिलते नहीं है, कब तक आप लोग कोशिश करते हैं या जानकारी भी अच्छी तरह से ना मिल पाए? जैसे अभी कुछ बच्चे ही बता रहे थे कि वहाँ डूबा या वहाँ डूबा, तो कितनी चुनौती रहती है आप लोगों के लिए? सर हिमालय की नदियाँ हैं, एक तो रिवर पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, विजिबिलिटी नहीं है, जगह जगह रॉक है, अंडरकट है, तो काफ़ी जो है मुश्किल होता है डाइविंग करना। और फिर भी हम करते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस हो तो उसमें ढूंढना आसान रहता है, लेकिन रिवर करंट है और कंटिन्यू पानी फ्लो करता है, बेहतर रहता है, तो इसमें डिफ़िकल्ट हो जाता है सर्चिंग करने के लिए। हमारे एक्सपीरियंस भी रहते हैं काफ़ी टाइम से, 9 साल हो गए हमें इसी टीम में, हमारे भी एक्सपीरियंस रहता है कि हमें लग जाता है कि बंदा, हाँ वहाँ जो स्पॉट है देखने से लग जाता है पानी का, थोड़ा ही यहाँ पर मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है सर, थैंक यू।